क्यों आया था बताओ? एक मिनट रुको यहाँ पे आ जाओ, ऊपर आ जाओ। क्यों आया था बताओ? हाँ इधर ही चलेंगे, अंदर चलो अंदर चलो। नहीं अंदर मुझे कर, बस रख लीजिए इधर ही सही है। कुतुब का एक मिनट मेरे मोदी भाई है, इनको पूछो वो क्यों आए थे। वो माफी मांगने आए थे है ना, बट बाकी आगे मैडम बताएंगे। माफी मांगने आए थे लेकिन उन्होंने मेरा इतना दिल दुखाया है, उन्होंने मेरी माँ चली गई, मैंने माफ नहीं किया है और ना करूंगी मैं माफ आदिल को कभी भी। माँ मेरी चली गई, माँ मेरी, माँ दोबारा ला सकता है? वो ला सकता है माँ दोबारा कहीं से? बहुत बार उसके नाटक मैंने माफ किए, साथ में उधर बैठ के भी बदतमीजियां कर रहा था। मैं भी रोऊं क्या? मैं थोड़ा रोई उसको देख के, तुमने ऐसा क्यों किया? कहता मैं भी रोऊं क्या, मैं भी नाटक करूं क्या? इतना बदतमीज है वो। माफी मांगने आया था आदिल, मैंने माफी नहीं दी है। जो उन्होंने मेरे साथ किया है वो माफ करने लायक नहीं है। अभी माफ करूंगी, 3 महीने बाद सेम करेगा। अभी माफ करूंगी, 6 महीने बाद सेम करेगा। किस कैंसर को निकाल के फेंक देना है मुझे, ये कैंसर नहीं चाहिए मुझे। हाँ, क्योंकि मुझे पता नहीं था, रेस्टोरेंट में मैं खाना खा रही थी भाई के साथ, उसको कैसे पता चला और सडनली पता नहीं कैसे आ गया, कौन बताया आई डोंट नो। खाना खाने आ गया, मुझे नहीं पता चला, और मतलब मैं खाना खा रही थी वो आ गया, मुझे नहीं पता चला। लेकिन आपका तो ऐसा नहीं है, मैं उसको हमेशा घर में खाना खिलाती थी। क्या पता ये मेरा जिंदगी का आज आखिरी निवाला हो। हाँ, मैंने उसको एक आखिरी निवाला खिलाया, दुश्मन को भी। जब आता है ना घर में तो पानी पिलाते हैं, ये तो मेरा शौहर है, ये तो मेरा शौहर है। लेकिन क्या क्या लेकिन? एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, आप मेरा फोटो देख सकते हैं? हो गया, थैंक यू। एक मिनट वो नहीं, एक एक करके की पहचान एक और साथ में राखी जी की। जी बोलिए। तो मैंने आपको बता दिया, नो पैच अप। मेरी जिंदगी में मैंने हद से ज्यादा उनको चाहा है, चाहती रहूंगी मरते दम तक चाहती रहूंगी। लेकिन नो माफी, माफी मुश्किल। आप तो आप दोनों इतनी अच्छी जोड़ी थी, वो भी साथ में, लेकिन साथ में नहीं रहेंगे तो आपके फैंस गुस्सा नहीं होंगे? राखी जी गाड़ी में क्या बोले अभी जब आपको लेकर आए? मेरी डेस्टिनी आदिल, गाड़ियों के सिवा क्या दे सकते हो? गाड़ी में बोलू कोई पूछिए, कोई माफी मांग रहा था इनसे, माफी मांग रहा था, बट नहीं, अभी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा मैंने सहा है। शी लॉस्ट हर मदर, उसके बाद आई लॉस्ट एवरीथिंग, ऑल रिस्पेक्ट, कुछ नहीं अब मेरे पास। इसका मतलब आदि कह रहे हैं आपकी माफी का? निको राखी जी वो बोल रहे हैं दिन के अंदर बोलेंगे, तो उसके लिए क्या बोल सकते हो? वो उनकी मर्जी, वो जो बोलने बोले उनकी अपनी मर्जी। राखी जी लेकिन आप धोखाधड़ी का उसके ऊपर केस दर्ज करोगे? 10 लाख रुपए का आप लोगों का केस का? 10 लाख नहीं है तो राखी जी आप दोनों का ये आ रहा है पीछे से